वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल कलयुग YouTube चैनल में। आप जैसा कि देख रहे हो, आज ही हमारे पास दोस्तों देख सकते हो दो मिनी सोलर पैनल्स। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि दोस्तों यदि आपके पास मिनी सोलर पैनल्स है तो आप उनसे कितना लोड चला सकते हो, वो कितने एम्पियर, कितने वोल्टेज और कितने वॉट की पावर जनरेट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मेरे पास दो मिनी सोलर पैनल है, सेम टू सेम दोनों सोलर पैनल एक ही मतलब कंपनी की है और दोनों ही सेम है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक सोलर पैनल को जैसे कि आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे पूरी हथेली पर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी पूरी हथेली में ये सोलर पैनल आ जाता है, मतलब ये मेरी हथेली के आकार का सोलर पैनल है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कितने सेल लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देख सकते हो 6 सेल इस साइड लगे हुए हैं और 6 सेल इस साइड लगे हुए, तो इसमें टोटल 12 सेल लगे हुए हैं। इसके पीछे दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे जो स्टिकर लगा हुआ है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके पीछे की जो स्टिकर लगा हुआ था इसमें मतलब इसके फंक्शन को जानते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 वॉट का, मतलब जो हमारा सोलर पैनल है दोस्तों ये 1.5 वॉट का सोलर पैनल है। इसके दोस्तों वोल्टेज की बात करें तो 5.7 वोल्ट है, मतलब इसका मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर 5.7 वोल्ट है। इसके एम्पियर की बात करें तो 263 मिली एम्पियर की पावर को जनरेट करता है। इसके मैक्सिमम वोल्टेज की जहाँ पर बात करें दोस्तों ये 7 वोल्ट मतलब 7 वोल्ट करीब करीब ये जनरेट कर देता है। उसके और मैक्सिमम यहाँ पर एम्पियर की बात करें तो 284 मिली एम्पियर की यहाँ पर ये पावर जनरेट कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये इसके पीछे का पूरा स्टिकर लगा हुआ है, सोलर मॉड्यूल है दोस्तों और ये मेरी पूरी हथेली का आकार का है। पर दोस्तों जो इसके पीछे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है क्या दोस्तों ये सही है और ये कितने सच में कितना लोड चला सकता है, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें दोस्तों इसको मेजर करना पड़ेगा, इसके वोल्टेज और इसके एम्पियर्स को। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर धूप में रख देते हैं। धूप में जैसे ही हम इसको रखेंगे फिर दोस्तों देख सकते हो इसकी हमने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को यहाँ पर निकाल दिया है। अब दोस्तों जरूरत पड़ेगी हमको एक मल्टीमीटर की, तो हमारे पास देख सकते हो ये एक मल्टीमीटर है। उसके द्वारा सबसे पहले हम इसके वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे और फिर इसके एम्पियर्स मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए फटाफट इसके वोल्टेज और एम्पियर्स को यहाँ पर मेजर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर दिया है। तो सबसे पहले इसके वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पर देखते हैं कितने अभी ये वोल्टेज जनरेट कर रहा है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो 6.0 वोल्टेज अभी यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। हम इसको दोस्तों 6 वोल्ट ही मानेंगे। दोस्तों अभी पर देख सकते हो 6.12 वोल्ट हो चुके हैं, 6.14 हो चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पर 6.15 वोल्ट मानेंगे क्योंकि आखिरी में हमने यहाँ पर 6.15 वोल्ट यहाँ पर मेजर में किया था। तो सबसे पहले हमें कागज पर इसके वोल्टेज को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 6.15 वोल्ट अभी ये जनरेट कर रहा है, तो हमें पर 6.15 वोल्टेज अभी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे सोलर पैनल एक सोलर पैनल के वोल्टेज हो गए। अब इसके दोस्तों हम इसके एम्पियर को मेजरमेंट करेंगे। तो एम्पियर के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर डीसी एम्पियर पर यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसको हम 200 मिली एम्पियर पर सेट करने वाले हैं और इसकी रेड प्रोब को यहाँ पर लगाने वाले हैं मिली एम्पियर के सॉकेट के अंदर, और इसका हम शॉर्ट सर्किट करंट मापने वाले हैं, सदा शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पर मेजर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ यहाँ पर लगाने वाले हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो दोस्तों हमारे मल्टीमीटर के अंदर 112 की रीडिंग आ रही है। दोस्तों ये एम्पियर्स में यहाँ पर करंट जनरेट नहीं करते दोस्तों, ये मिली एम्पियर्स में यहाँ पर करंट को जनरेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो 113 मिली एम्पियर का यहाँ पर करंट जनरेट हो रहा है, 114 मिली एम्पियर यहाँ पर हो गया। तो अभी हम इसको 114 मिली एम्पियर मान लेते हैं कि हमारा जो सोलर पैनल है वो 114 मिली एम्पियर का करंट यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों एम्पियर यहाँ पर 114 मिली एम्पियर। दोस्तों ये ध्यान रहे दोस्तों ये मिली एम्पियर में, ये एम्पियर में नहीं है। अब दोस्तों इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि दोस्तों अभी ये कितने वोल्ट की पावर अभी जनरेट कर रहा है। दोस्तों अभी यहाँ पर शाम का समय है, अभी यहाँ पर 3:30 बजे हुए हैं। तो अभी हमने यहाँ पर इसका मतलब डेटा मेजरमेंट किया। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो दोस्तों 1 एम्पियर में दोस्तों 1000 मिली एम्पियर्स होते हैं। तो हमारे पास जो दोस्तों मिली एम्पियर्स का आंकड़ा है दोस्तों 114 मिली एम्पियर यहाँ पर आया। तो हमको दोस्तों मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमको यदि वोट निकालना है तो वोट का दोस्तों फॉर्मूला होता है वोल्टेज इज इक्वल टू एम्पियर। तो हमें यहाँ पर एम्पियर निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 114 भागित करना पड़ेगा 1000। तो 114 भागित 1000 करेंगे तो हमको यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यू मिलेगी 0.114 एम्पियर की यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। इसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, मतलब जो मिली एम्पियर था उसको हमने पर एम्पियर में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो वोल्टेज है 6.15 वोल्टेज है और हमारे एम्पियर की बात करें तो 0.114 यहाँ पर एम्पियर यहाँ पर है। तो हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर वोट निकल के आ जाएंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पर वोल्टेज और एम्पियर का यहाँ पर जिसे गुणा किया तो हमारे सामने यहाँ पर वोट निकल के आ गया। तो अभी हमारे पास दोस्तों वोट निकल के आया 0.701 वोट की जरूरत, मतलब ये पावर जनरेट कर रहा है, मतलब ये एक वोट भी अभी यहाँ पर कम की पावर यहाँ पर जनरेट कर रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास जो धूप है दोस्तों वो कम गिर रही है, मतलब अभी यहाँ पर दोस्तों धूप बहुत ही कमजोर गिर रही है, मतलब धूप की जो क्वालिटी है वो बहुत ही कमजोर है, मतलब धूप बहुत ही कम गिर रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका है। इस कारण दोस्तों जो इसके एम्पियर जो इसके मिली एम्पियर है वो दोस्तों कम है दोस्तों, पर जो हमारा जो सोलर पैनल दोस्तों एक वॉट से लेकर 1.5 वॉट की पावर तक जनरेट कर देता है। तो दोस्तों आप जो हमारे सोलर पैनल है दोस्तों, जो हमारे दो सोलर पैनल है दोस्तों, इस सोलर पैनल्स की आप दोस्तों 1 वॉट से लगाकर 1.5 वॉट तक के किसी भी डिवाइस को यहां पर आप रन करवा सकते हो दोस्तों। तो अभी हमने जो आपको लाइव यहां पर मेजरमेंट करके देखा, इससे दोस्तों हमें यहां पर निकल के आया, मतलब ये 0.700 वॉट की यहां पर पावर जनरेट कर रहा है, मतलब ये 1 वॉट से भी कम की पावर यहां पर जनरेट कर रहा है। तो आप यहां पर 1 वॉट तक की पावर आराम से, मतलब 1 वॉट तक की डिवाइस को आराम से यहां पर चला सकते हो। तो मतलब एक जो सोलर पैनल है तो यहाँ पर 1 वॉट तक की पावर जनरेट कर रहा है, तो दो सोलर पैनल मिलकर यहाँ पर 2 वॉट की पावर जनरेट करेंगे। तो मतलब यहाँ पर आप 2 वॉट तक के किसी भी डिवाइस को यहाँ पर या 2 वॉट तक के किसी भी डिवाइस को यहाँ पर रन करवा सकते हो। तो दोस्तों यदि आप इन दोनों सोलर पैनल को आपस में यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो दोस्तों ये तो वोल्टेज यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे वो प्लस हो जाएंगे, मतलब अभी यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर 6 वोल्ट है। तो दोस्तों दोनों को आप यदि सीरीज में यहाँ पर मतलब जोड़ोगे तो इसके वोल्टेज यहाँ पर दुगने हो जाएंगे, यदि आप दोस्तों इसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इनके एम्पियर यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, वोल्टेज वहीं रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मिनी सोलर पैनल की कनेक्शन मतलब मिनी सोलर पैनल की कैलकुलेशन कर सकते हो कि आप इसे कितने वॉट तक के या कितना बड़ा डिवाइस इसे चला सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल कैल्यू YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।